नमस्कार दोस्तों, मैं भोलू जहांगीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर। खबर है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में आज एक महिला की मौत उस समय हो गई जब विद्युत विभाग की टीम महिला के घर कनेक्शन काट दिया। आरोप है कि इसी के चलते महिला की मृत्यु हुई है। वहीं मौत के बाद परिजनों और मोहल्ले वालों ने हंगामा शुरू कर दिया, साथ ही विद्युत विभाग टीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई एवं तहरीर के सौंप दी गई है। आपको बता दें कि दरअसल ये पूरा मामला है सुल्तानपुर जिले के दोस्तपुर थाना क्षेत्र के हलबल टोला पश्चिम मोहल्ले का। इसी मोहल्ले में आज विद्युत विभाग की टीम ने छापे मारी, बिजली चोरी कनेक्शन और विद्युत बकाया करने वालों के खिलाफ कार्रवाई निकली हुई थी। इसी दौरान ये टीम कल्लू गौड़ के घर पहुंची और 50,000 का बिजली बकाया होने पर कार्रवाई की धमकी दी, साथ ही विद्युत कनेक्शन काट दिया। इसी विद्युत कनेक्शन काटने से कल्लू की पत्नी रमऊ सदमे में आ गई और उसकी मृत्यु हो गई। रमऊ की मौत होते ही परिवार में कोहराम मच गया और मोहल्ले वाले प्रदर्शन करने लगे। आरोप तो ये भी है कि इन सभी ने विद्युत विभाग की टीम के सदस्यों की पिटाई कर दी। वहीं प्रदर्शन की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने में जुट गई। फिलहाल पीड़ित परिवार ने विद्युत विभाग के जेई रविशंकर मौर्य, एसडीओ हंसराज, संविदा कर्मी सफीउल्ला सहित R10 के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पुलिस को सत्र ज्ञापन सौंपा है। आपको हम बता दें कि वहीं विद्युत विभाग के अवर अभियंता रविशंकर मौर्य की माने तो आला अधिकारियों के निर्देश पर टीम मॉर्निंग रेड के लिए निकली हुई थी, जिसके यहां घटना हुई है। टीम उनके यहां आज गई ही नहीं। जेई की माने तो इनके यहाँ 1,25,000 बकाया होने पर करीब 15 दिनों से पूर्व कनेक्शन काटा गया था और निरीक्षण किया गया तो फिर कनेक्शन कटा हुआ मिला। लिहाजा परिजनों द्वारा लगाए गए आरोप को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। चलिए आपको दिखाते हैं ब्यूरो रिपोर्ट, भोलू जहांगीर अपना सुल्तानपुर। बहुत अटकी है भाई, जब से अभी बहुत अटकी है भाई। हाँ, क्या कैसे हुआ था? आज सुबह लोग 7:30 के लगभग आए। हाँ, और बिना बताए बोले तुम लोगों के खिलाफ मुकदमा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फ्लाइट कट कर दिया इन लोगों ने। करीब 10-15 लोग थे, इन्होंने मुकदमा का सुना तो इनको 8 बजे 7:30-8 के लगभग लाइट कटी तो इनको हार्ट अटैक आ गया। ये कौन आपकी है? ये मेरी माँ है। आपका क्या नाम है? नीतू गौड़। ठीक सर, मेरा नाम नीतू गौड़ है। आज सुबह लाइट वाले आए और उन्होंने लाइट का कनेक्शन बोला तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मतलब हम लोगों को पीड़ित करते हुए उन लोगों ने लाइट का कनेक्शन काट दिया और 1,00,000 रुपया हम लोगों ने लाइट का भी उधार दिया था सर। मिनिमम 50,000 रुपया रह गया था। 50,000 रुपये के लिए उन्होंने किसी विधवा औरत की जान ली, मतलब एक घर को उन्होंने बेकार कर दिया 50,000 के लिए। यहाँ तक कि कहा जा रहा था कि अगले मंथ उनका सारा बकाया दिया जाएगा, लेकिन उन लोगों को इतना नहीं समर्थ था। वो लोग गवर्नमेंटेड भी काम करते थे, नॉन गवर्नमेंटेड भी काम करते थे। 1,00,000 रुपया कितना दिन पहले आपने जमा किया था? प्रूफ तो सर आपको हम सारा रसीद दिखाएंगे, प्रूफ के तौर पे रखा हूँ मैंने। कनेक्शन होल्डर कितना दिन पहले आपने 1,00,000 रुपया जमा किया था? 1.5 साल हुआ होगा सर। 1.5 साल पहले 1,00,000 रुपया आपने जमा किया था? थोड़ा करके सर। आज सुबह कई बजे विद्युत विभाग के कर्मी आए हैं? 7 बजे ही। 7 बजे ही विद्युत विभाग की टीम दोस्तपुर कस्बे में आके धमकी है। ठीक ठीक सर, एक घटना दोस्तपुर बाजार में सुनने में आया है, उसमें आपका क्या कहना है? हम लोगों को भी सूचना मिली है कि बहवल टोला पश्चिम जो दोस्तपुर कस्बे में आता है, वहाँ पे एक महिला है रमाऊ, उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है। उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई है और उनकी बॉडी को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। पीएम के बाद अग्रिमिक कार्रवाई की जाए। रात से सर क्या इनको उपलब्ध कराया जाएगा? रात को उसके लिए अभी SDM साहब को बता दिया गया। SDM साहब आ रहे हैं, वो उसका निर्णय SDM साहब की। क्या बिजली विभाग की तरफ से भी सर कोई तहरीर प्राप्त हुई है? बिजली विभाग की तरफ से सर अभी तहरीर अभी दी जा रही है, वो उस पर भी जाँच किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर, धन्यवाद। सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए अपना सुल्तानपुर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका हमारे लिए कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।